अभी कुछ दिन पहले की ये बात है, शुरुआत होती है दिन की और तैयारी करती हूँ मैं इस स्पेशल सब्जी बनाने की। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद कुंदरू बोलते हैं या फिर कुछ छोटे करेला बोलते हैं, बट इनको छीलने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया होगा। समझ ही नहीं आ रहा है, इतने छोटे छोटे से हैं कि इनको छीलने में काटने में टाइम टू टाइम लगा जा रहा है। तो क्या करना होता है, जस्ट इनकी स्किन निकालनी होती है, कट करना होता है, फिर बीज निकालना होता है। क्या बोलते हैं आपके यहाँ, या फिर आपने भी बनाई है इनकी सब्जी कभी? बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे के बाद मुझसे ये क्लीन हो गए थे एंड साफ़ हो गए थे। शायद इनकी स्किन नहीं निकलती होगी या फिर शायद किसी और तरह से बनते होंगे, मुझे नहीं पता। खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं थे, एकदम नॉर्मल सी सब्जी मुझे लगी इनकी। ये सारा काम निपटाने के बाद मुझे बहुत ही ज़रूरत महसूस हुई चाय की, जो मैं अपने लिए बना रही हूँ। एंड एक तरफ मैंने इनको ना थोड़ा सा बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था, दूसरी साइड सुबह से काम करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कुछ काम नहीं किया है, जबकि मैं काम में लगी हुई भी हूँ। तो बड़ी थकान सी हो गई थी, और ऐसी थकान मिटाने के लिए एक कप चाय शांति से पीना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर मैं मोबाइल लेके बैठी थी, एंड शुक्र है कि उस दिन डुक्कू घर पर नहीं था, अपने पापा के साथ बाहर गया हुआ था, तो थोड़ा सा सुकून मिल गया मुझे। तो यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं हम सब्जी की। बहुत ही नॉर्मल वे में जो सब्जी बनती है ना, वैसे ही मैंने बनाई। हालांकि मुझे बनानी नहीं आती है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट स्टिल ठीक ठाक अच्छी बैठ गई थी। तो प्याज थोड़ा सा डाला, उनको फ्राई कर लिया, मसाला डाल दिया, टमाटर डाल दिया, सब कुछ को अच्छे से फ्राई कर दिया जब तक कि तेल ना छोड़ दे। फिर मैं ये सब्जी बनाई रही थी कि उतने में बाहर एंट्री होती है। ये है बंजारन, गांव में उस टाइम बंजारों की बस्ती आई हुई थी, तो वो हमारे घर पे आए थे एंड बोल रहे थे कि चाय पीनी है, रोटी खानी है। तो बस जो मेरे पास ट्रायोपॉड था ना, उसको उधर घुमा दिया, मैंने सूट नहीं किया, किचन की तरफ था, उसका मुंह उधर कर दिया, तो ये सब कुछ सूट हो गया। काफ़ी लंबा चौड़ा ये चला, बट वो सब मैंने कट कर दिया है। इनको चाय दी, रोटी भी बनाई, मतलब खिलाई इनको, तब तक सब्जी वब्जी बन गई। एंड वो बैठे रहे, बातें करते रहे, मेरे से नहीं माँ से बात कर रहे थे वो तब तक। एंड यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी है, उसके बाद मैं सूट नहीं कर पाई। मैं तैयार हो जाती हूँ अपने घर मम्मी के पास जाने के लिए, तो नहाना धोना खाना पीना सब कुछ हो गया है। यहाँ पे मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड थे साथ में, एक और भाई साहब थे, वो भी जा रहे थे हमारे साथ, उनको रास्ते में कहीं ड्रॉप करना था। फिर हमें किसी ज़रूरी काम के लिए मार्केट में रुकना था, तो कुछ देर हम लोग मार्केट में रुके, जहाँ पे मुझे अपने घर के लिए कुछ चूड़ियों के सेट लेने थे, सो दैट लेने देने के काम आ सके। काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे, सिर्फ 100 रुपये में रिटेल कर रहे थे ये, बहुत ही ज़्यादा सस्ते। सारे के सारे 100 में नहीं थे, कुछ कुछ का प्राइस ऊपर नीचे भी था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए भी लिया, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी ने बोला था कि खुद के लिए लेते हुए आना, सो मैंने ले लिया। एंड ऑनलाइन से काफ़ी चीप मिल रहा था, इसलिए भी ले लिया। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, मायके की तरफ एक्चुअली। सो दिन कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये जो घर जाने का प्लान था वो सडन बन गया था, एक दो दिन में जाना है, बट ये नहीं था कि आज ही जाना है। सो यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुके, यहाँ पे भेल मोरी और आइसक्रीम, जो रबड़ी कुल्फ़ी होती है, आइसक्रीम नहीं बोलूँगी, कुल्फ़ी ही बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा यमिस्ट मिलती है, बहुत ही यम होती है, टेस्टी स्वादिष्ट, जो उसको बोलो ना, सारे के सारा नाम दे दो चाहे। सो वो हमने यहाँ पे खाई, एंड उसके बाद हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं हमारी आगे की जर्नी पे। बुग्गू थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले जितना परेशान नहीं करता है, गोद में भी नहीं लेके बैठना होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा क्यूरियोसिस रहता है, उसको खड़े होना होता है, उसको इधर उधर देखना होता है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम घर पहुँच गए हैं, एंड घर पहुँचते ही हमें सरप्राइज़ मिलता है सोरिये का, भाग कर आता है वो, सामने से गेट भी खोलता है, बहुत खुश होता है, एंड डुगू को मिल जाता है अपना बेस्ट फ्रेंड। बस निकलता है और भाग पड़ा होता है, देखो दोनों की फ्रेंडशिप, इनकी बातें ख़त्म नहीं होती, सीरियसली पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। सोफे के अंदर घुसे रहेंगे, बेड के ऊपर बैठे रहेंगे, छत पे जाएंगे, पीछे जाएंगे, जहाँ देखो वहाँ दोनों साथ साथ घूमते रहेंगे। एक बाथरूम में घुसा रहेगा तो एक बाहर खड़ा वेट करेगा, और ये आपको मेरे हर ब्लॉग में दिखाई देगा, मेरी मम्मी आएगी सामने से भागती हुई जब भी मैं जाती हूँ, ऐसे ही तो होता है, मतलब यही तो यादें होती है। लेकिन बुक्कू खूब रोया, गया ही नहीं,
और गई भी मैं 2-3 घंटे के लिए थी, अब बड़ा हो गया तो समझने लग गया, इसलिए जल्दी से जाना पसंद नहीं करता है, रोने लग जाता है। तो यहाँ पे कैसे तैसे करके उसको शांत करवाया जाता है, और ये दोनों राम लखन की जोड़ी लगी पड़ी है अपने में। 2-2.5 घंटे निकल जाते हैं, एक्चुअल में टाइम का पता ही नहीं चलता है। ये सारी टी शर्ट्स है जो कि मम्मी महाकाल जाके आए थे उज्जैन, वहाँ से लेके आए थे कुछ कुछ सामान, तो बस वही सब दिखा रहे थे कि डुग्गू और बुग्गू के लिए जो आ रहा है उसके लिए ले जाओ, भगवान का आशीर्वाद है। एंड टाइम लिटरली पता ही नहीं चल रहा था कि निकला जा रहा था। घर वालों की शिकायतें रहती है कि आती हो इतने ही टाइम के लिए आती हो, ना बात होती है ना कुछ और होती है। एंड निकलते निकलते ही 3 बज गए थे घर से, एंड हम लोग वहाँ से निकले थे तो आगे ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि रात हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी अपनी सिलेक्ट कर ली। इसके अलावा मम्मी चूड़ियाँ भी लेके आई थी, जब भी जाती है कहीं पे भी कोई भी तीर्थ पे तो मम्मी इस तरह की चूड़ियाँ ज़रूर लेके आती है। मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है, मैं तो वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, कुछ पहन लेती हूँ कुछ नहीं पहनती हूँ। मम्मी बहुत कोशिश कर रही थी कि बुग्गू खुश रहे, उससे अटैच रहे, तो वो सारा इधर उधर कुछ भी खेल रही थी, कभी कुछ कर रही थी। होता है ना, बच्चा जब नहीं रहता है तो खुद को अजीब सा भी लगता है, लेकिन कुछ भी बोलो, वो 3-4 घंटे के लिए मैं फ्री हो गई। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही थी कि वो खुश रहे, उनके पास रहे, तो बस वो भी मेरे पास रहता है तो जल्दी से होता है ना, बच्चा घुल मिल नहीं पाता। होता आप लोगों के साथ भी होता होगा। यहाँ पे हमारे पीछे लगा था ये, क्या बोलते हैं इसको, खरबूज, क्या तरबूजा क्या बोलते हैं, तरबूज, वाटरमेलन। ओके, डुग्गू यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा है, साथ में देख भी रहा है। सो उसके बाद बारी आती है मेहंदी लगाने की। काफ़ी डांट में इस टाइम तक सुन चुकी थी क्योंकि श्याम होने को आई और मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई थी, इसलिए मेरे को मेहंदी दे दी मम्मी ने। एंड साथ में हम लोग बैठ गए थे क्योंकि बुग्गू जग गया था, इसलिए मम्मी को वापस उसको सुलाने के लिए जाना पड़ा। मम्मी सुला रही थी उसको, मैं और भाभी सब बैठे रहे। हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं जाती हूँ तो सिर्फ मम्मी के चिपके रहूँ, मैं टाइम उतना इक्वल भाभी सा को भी देती हूँ। होता है ना कि हम जाते हैं और वो लोग किचन में लगे रहते हैं और हम अपना काम करके वापस आ जाते हैं, तो उनको क्या पता चलेगा कि घर पे कोई आया है। होता है, मतलब ये मैं फील करती हूँ, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जब भी जाऊँ उनके साथ भी इक्वल उतना ही टाइम बिताऊँ, सो दैट उनको एक क्रेज़ रहे कि हाँ हम लोग आए तो बैठे। और पता नहीं क्या क्या मैं बातें कर रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता, हालांकि मैंने इसको स्पीड पे लगा रखा है, फिर भी बहुत ही धीरे जा रहा है। सो ऐसे करते करते शाम ऑलरेडी हो गई थी, हम लोगों को वहाँ से खाना खा के निकलना था, बट ऐसे करते करते लेट हो गया था, 7 बज गए होंगे, तो खाना नहीं खाया हमने, वहीं से पैक ही करवा लिया, जो खाना बना हुआ था वही पैक करवा लिया, क्योंकि खाना खाने रुकते ना तो और टाइम लग जाता है, घर भी आना था इसलिए खाना ना खा करके। यहाँ पे चलते हैं हम किचन की तरफ, एंड ये बन रहे हैं परांठे मेरे साथ जाने के लिए। एंड ये सूट मेरा सिल कर आया था जो कि मुझे पहनकर वापस आना था, तो बस वही ड्रेस में चेंज कर रही हूँ। ये सूट काफ़ी अच्छा है लेकिन है ना थोड़ा सा कड़क है, मतलब चुभता है, ऐसा मुझे फील हुआ था। मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए पहना अभी तक, लेकिन उतना ही मुझे गर्मी के मौसम में ऐसे फील हो रहा था। ये है मेरा ड्रेस आउटफिट जो मैं पहन के गई थी। एंड ये जो रूम आपको दिख रहा है वो मेरे पापा का है, एंड मुझे सबसे 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 ज़्यादा सुकून यहीं पर मिलता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाने के बाद। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया, एंड चेंज करने के बाद ऐसी लग रही है, बहुत ही सिंपल सी थी। मुझे ऐसी ही ड्रेसेस पता नहीं क्यों आजकल ज़्यादा पसंद आती है, एक तो बच्चा होने के बाद है ना कुछ भी चुभने वाला, स्पेशली चमकी वाला जो चीज़ होता है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बुग्गू को लगता है, उसकी स्किन पर लगता है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सिंपल से सिंपल ड्रेस रखूँ मैं। जो भी मेरे पास है वो मैंने निकाल दी है। तो यहाँ पर 2-3 तरह की हरी मिर्च थी, एंड परांठे थे, दाल थी, सब्जी थी, यही सब कुछ जो नॉर्मल होता है, मैंगो सेक, अमरस, ये 15-20 दिन या पहले का है तो उस टाइम आम हुआ करते थे, तो यही सब बना हुआ था जो कि मम्मी ने पैक करवा दिया। सो यहाँ पे मैं हूँ, पापा को हक करना बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, जाते ही गले लगाना और आते ही गले लगाना, दोनों ही चीज़ें बहुत मिस करती हूँ।
एंड मम्मी एज यूजुअल जो कुछ भी घर पे बना हुआ था मिठाई वगैरह वो डाल रही थी। ये वो चूड़ियाँ हैं जो मैंने अपने लिए थी मम्मी की तरफ से, वो पहन के आ रही हूँ। एंड टफ पार्ट विदाई वाला, अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, सब लोग छोड़ने के लिए आ रहे हैं। पता था पहले से ही कि बस कुछ 1 घंटों के लिए जा रही हूँ, बट फिर भी होता है ना, कैसा होता है, जिस घर में हम हमेशा रहे हैं वही घर छोड़ के हम वापस आ जाते हैं, इस तरह मेहमान बन के जाना होता है अपने ही घर में। हर एक बेटी की यही कहानी है। सो बस ये देखते देखते रात हो गई एंड टाइम का लिटरली पता ही नहीं चला। ये पूरा दिन था मेरा हैक्टिक डे था, जिसके अंदर मैंने खाना भी खाया है, कुछ कुछ गेस्ट भी आए हैं। रास्ते में डुगू ने जिद की थी चाउमीन के लिए, बोला था मुझे कुछ फास्ट फूड खाना, वो खाया। फिर एक शिवजी का मंदिर पड़ता है रास्ते में, मेरे जाने का बहुत दिनों से मन था, तो हमने गाड़ी कुछ देर वहाँ रुकी एंड वहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन किए। काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लग रहा था आरती का टाइम निकल जाएगा तो शायद मंदिर बंद हो जाएगा, बट मंदिर खुला हुआ था इसलिए हम लोग चले गए। ये बुग्गू गाड़ी में था, उसके लिए मैं टीका लेके जा रही हूँ। सो कुल मिला के काफ़ी अच्छा और एक दिन था, जो कि नाना करते मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हो या बोलते हो कि प्लीज़ ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो, तो ये ब्लॉग आपके लिए स्पेशली फुल डे मेरा, इसके अंदर फुल डे तो मैंने दिखाया ही नहीं है। फिर वापस आते हुए गाड़ी में ना नीचे बैठ गया बुग्गू, इस तरह की लाइट जल रही थी तो उससे काफ़ी देर तक खेलते रहा। वहीं पे डुग्गू बैठ गया, वो भी खेलता रहा। सो बस सिंपल सा दोनों जने काफ़ी मस्ती। घर आती हूँ तो मिलता है पार्सल, बाकी कुछ काम नहीं होता है, खाना पैक्ड लेके आई थी सो खा लेते हैं सो जाते हैं। बहुत नॉर्मल सा आज का डे था एंड काफ़ी हैक्टिक भी था, काफ़ी अच्छा भी था। अगर इस तरह के ब्लॉग्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक करना है एंड कमेंट जरूर करना ताकि और वीडियो बना सकें।